दूध ले रहे हो भाई? Do you have milk? Yeah. और how much is it for? 4,800 lira. This one. We say 2,600. 2,000. Get for you 4,000 lira, brother. 4,000. Because. हाँ भाई, राम राम भाई। एक बस आ रहा है और आज का मेरा पहला टास्क ये है कि यहाँ पे ना इनका एक ग्रैंड बाजार है, मतलब ग्रैंड मार्केट कह सको। उड है जितनी भी बड़ी ब्रांड है ना, जैसे गुच्ची, प्राडा, एलवी, कुछ भी, बेल्ट, पर्स, जूते, ये जो महंगे महंगे लुई विटॉन और एडिडास के ईजी, ये जो महंगे महंगे जूते हैं ये, और रोलेक्स की घड़ियाँ या किसी और की भी, मतलब बड़ी ब्रांड्स की घड़ियाँ वगैरह सारी डाल के, एक्सेसरीज, कपड़े सब मिलता है वहाँ पे। तो आज चल के जाके वो देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो सारे काउंटरफिट प्रोडक्ट हैं, मतलब कि कॉपी हैं एक तरीके की, पर जैसे कुछ कॉपीज़ अच्छी होती हैं, कुछ गंदी कॉपीज़ होती हैं, कुछ कती जेन्युइन लाके आ रहे हैं और होती भी हैं, मतलब बिल्कुल ही बड़ी आगे बता नहीं सकते फ़र्क कि हाँ भाई कॉपी है। तो हर तरह की चीज़ मिलती है। क्वालिटी में अगर डिफरेंस देखो तो लोअर क्वालिटी लोगे उसमें पता लग जाएगा कि भाई हाँ कॉपी है, नकली है। हायर क्वालिटी लोगे तो उसमें पता बहुत कम लगता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। ये एक हब है बेसिकली यहाँ पे काउंटरफिट प्रोडक्ट का, कि आप कॉपी किसी भी चीज़ की ले सकते हो और इजीली, बहुत इजीली अवेलेबल है। और इतनी दुकानें हैं कि समझ नहीं आता कौन सी बड़ा है, के रेट पूछा है, के करा है, और बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है आप कितना बार्गेन कर सकते हो किसी के साथ। तो भाई यह एंट्रेंस है ग्रैंड बाजार की, इसमें आना पड़ते हैं। रेवल रखा ग्रैंड बाजार। और मेरे को ये नहीं पता है कितना सेफ है, पर क्या क्या आग रहे हैं बाहर में। जब इसके भीतर बढ़ू था, एक गाइड अपने जो ग्रुप था उसका, उस तेनू बताने लग रहा था भाई अपना जो वॉलेट है ना वो फ्रंट पॉकेट में रखियो, तो मन ने भी अपना पहले अगले वो गाल ले लिया पहला ही। तो सबसे पहले हंट करते हैं ये जो क्रॉस बॉडी बैग होता है, ये मैं ले रहा हूँ, ये मांगा है। तो पहला वो ही देखा भाई, क्रॉस बॉडी बैग कितने मिल जा तो उसकी जरूरत भी है, तो वो लेते हैं सबसे पहले, कहीं ढूंढते हैं, कहीं मिला तो मिलता जाएगा, पर देखना कितना महंगा सस्ता देंगे। सो ये भाई गुच्ची के बैग्स हैं, और ये जैसे क्रॉस बैग है जैसा मैंने पहना हुआ है, और भी हैं बर्बरी वगैरह के सारे बैग्स रखे हुए हैं यहाँ पे इन्होंने। हाउ मच आर दीज फॉर, व्हाट्स द प्राइस? 1,800 फॉर ऑल ऑफ दीज थ्री, और just this, one of this? Yeah, I know one of this, but it's this the same. This one, this two is same. This is 1,300 lira. This one? Yeah. 1,300. And what about this one? 1,800, two pieces. 1,800. No, just for one. For what? 1,800. Okay. Okay. And what would be the final price for? Do you want to buy right now? Yeah, that's why I'm asking. Like, what would be the final? 1,500. We can make. गणिये चीज दर रहे हैं, मतलब आड़े सोना बेचते हैं, आड़े नकली जूते, रोलेक्स नकली, आड़े ये चीज बेचते हैं। ये मेरा नूना समझ में आ रही है कि इन पर भरोसा कौन करे, सोना कौन ले, इनते सोना के बेरा का असली है नकली है, हमने के बेरा भाई, मतलब इंडिया तो सोनार पकड़ के लाना पड़ा जो सोना चाहिए आड़े ने। तो और कपड़े वगैरह सब कुछ था, मतलब एवरी थिंग हरमिस की बेल्ट, हरमिस की, एलवी की, हर तरह की बेल्ट है, डायोर की, ऊपर घड़ी धर रहे हैं ये सेम वे, ह्यूब्लो, रोलेक्स सारे डाल की। तो भाई ये घड़ियों की है यहाँ पे, और मतलब किसी भी कंपनी की कोई भी घड़ी ले सकते हो आप। रोलेक्स है ये वाली, एंड ये सारी, दीज आर ऑल रोलेक्स राइट? यस। ओके, एंड डू यू गाइस हैव बॉक्सेस एज़ वेल? वी हैव बॉक्सेस बट दे आर एक्स्ट्रा मनी ब्रदर। ओह, बॉक्स हैज एक्स्ट्रा मनी। ओके, ओके। तो भाई डिब्बे आगे नारे प्राइस है इनके यार है। तो दिस इज लाइक 4000 लीरा, एंड हाउ मच इज गोना बी बॉक्स फॉर? द बॉक्स ऑफ दिस वन ब्रदर, द व्हाट इट कॉस्ट टू अस, नॉट फॉर सेल। जो ये वाली वॉचेस हैं रोलेक्स की, ये यूं लगा लो 10 से 12 लाख INR की हैं। बाकी जो ये दे रहे हैं वो, मतलब अगर INR में कन्वर्ट करो तो ये पड़ेंगी 18,000 से 17,000-18,000 की, और जो कि वो भी बहुत महंगी लग रही है मेरे को। मतलब ये चीज़ें इंडिया में भी मिल जाती हैं, पर हाँ एक चीज़ का फ़र्क है, क्वालिटी अच्छी है इनकी जितनी भी हैं ये सारी। और ये इधर बैग वैग भी रखे हुए हैं इन्होंने, मतलब बैग वैग सब कुछ है इनके पास। ये भी है इधर,
तो मतलब क्वालिटी क्वालिटी भाई फर्क पड़ा है जुगर कोई दुकान वाला बढ़िया क्वालिटी रखा है एक दुकान वाले दोरे जुगर लो क्वालिटी की भी थी सेम वॉच सस्ती थी हाई क्वालिटी की सेम वॉच कती एग्जैक्ट सेम वॉच महंगी थी 2000 लीरा और हाई क्वालिटी वाली फिर 4000 लीरा तो यो फर्क है भाई। और एक उसके शामी जो दुकान थी उस पर मैंने वॉच रखी तो वे ओरिजिनल जो रोलेक्स की वॉच हो वे रखे हैं ओरिजिनल पर वो सेकंड हैंड है तो वो काफ़ी सस्ती प्राइसेस पे मिल जाए मतलब सस्ता तो के है 1-2 लाख पे मिल जाए 10 लाख की घड़ी मेरा के है जो कर ये जो बाहर ला रहे हैं वे तो दे मैं सस्ते और जो कर दुकान हो गया अभी बैगा की हैं ये दे मैं महंगे तो जिन दौर पैसा है वे और पैसा बनाने उन्होंने और महंगे बेचे हैं भाई दुकान ले रहे हैं तो 2000 लीरा वाली चीज़ में 3000 लीरा में बेचते हैं जो अपने खोखे से ला रहे हैं बाहर खोखे धर रहे हैं वे अपने नु है 4000 वाली में बोल रहे हैं वे उन्हें 3000 में 2000 में देते हैं और क्वालिटी का भी फ़र्क है मैंने 2-3 जगह देखे हैं बैग जो करियो ही मेरा पास है एक या वाली बेशक बड़का पूछ लो 2000 वाला 5 में बोलेगा और क्वालिटी में हाँ हल्का फुल्का फ़र्क मिल जाएगा जो बाहर बैठे उनकी क्वालिटी थोड़ी लो है अंदर जो दुकान वाले हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा है तो सेम बैग देखा था मैंने सेम बैग क्वालिटी में बिल्कुल फ़र्क था और प्राइस में तो कति सारा ही फ़र्क था एक ने 2000 का बोलिया एक ने 4000 का बोलिया मखा भाई आड़े तो कोई लियाना ही पड़ा आड़ा आड़ा बाड़े का भाई कौन सी चीज़ सस्ती पड़े है कौन सी महंगी पड़े है किस हिसाब से रेट लगाना है। ये है भाई लुई विटोन का अंदर से ऑरेंज है और हाउ मच इज इट फॉर 4000 लीरा राइट 4000 लीरा का है ये लगभग पड़ेगा No, that's super expensive, man. 4,000 lira means 18,000 Indian rupee. Yes, but you can buy 5 of these in India for 18,000 with the same quality, I'm telling you. Not the same quality. I promise you, you come with me to India. Can I tell you something? Yeah. I'm not crazy about to buy this big expensive price, you know? I don't know how much you buy it for. You're selling it to me for. I can be reading for you as well. What would be the last price for you? If you like to buy 4,000 lira, can buy. Not 4,000. 4,000 XD. Same quality. Yes. In India, I can get it like 4,000 Indian rupees. That like 5,000 lira, 500 liras. Maybe different quality, brother. I know the quality. Yes. क्या लगा भाई इसका है मतलब 18,000 देने का. How much is the original? Almost $1,000. $1,000? $2,000. $2,000? Yes. Over 1 lakh Indian rupees. Okay. Do you have a YouTube channel? Yes, man. Can I see your YouTube channel? Yeah, sure. Let me. तो भाई इन जूते हैं शौकीन हूँ मैं जैसे कि तुमने बेरा होगा तो ये जूते हैं यूं लगा लो तुम $450 तक लेकर $500 तक ही $350 के भी हैं कुछ अगर ओरिजिनल खरीदोगे तो ये वह है कॉपी हैं तो पर कॉपी इनकी जैसे क्वालिटी देखी मैंने जो करी वो जूता है तो इसकी क्वालिटी देख के मेरा पार्ट जाएगा जूता बढ़िया है ठीक है चल जाएगा मतलब उनको ना तुम पैसे दे के जाओगे तो बेरान हो जाएंगे यो है जो करी क्वालिटी कहाँ से पता लगती है जो एक तो इनकी पेस्टिंग होती है भी अगर कोई सिलाई है जो कर इस पर सिलाई है तो वह सिलाई बढ़िया तो ये आड़े देवे हैं मेरे ख्याल से 2000 लीरा से लेके और इन बैलेंसियागा पड़े हैं ये जूते कई कई लाख के हैं ओरिजिनल पर ये देवे हैं दुबई 4000 पूछी थी मैंने 4000 लीरा और इन भी बैलेंसियागा पड़े हैं जो यो वाला जूता है ना यो जूता मैंने पसंद है तो इसका पूछता हूँ मैं कितने का How much is this for, man? Which one, brother? This one. We say 2,600. 2,600. Yes, lira, right? Lira. So 2,000, मतलब lira. Brother, yes, the price is same for all of these or different? So this is different color, different size. I have size, different size. Not orange color. This color I have. Okay, and for the other ones, the price is Those same. Those are the same price. I do. Okay. Normally it's different price, but I make them same price for you. तो ये है 2000 लीरा कह रहा टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लीरा और ये पड़ेंगे लगभग 10,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के जो कि मेरे हिसाब से बहुत महंगे हैं अगर काउंटर फिट लेना हाँ ठीक है मान लिया बहुत अच्छी क्वालिटी है ये और ऐसे गफार में मिल जाते हैं 2,000 रुपया मिलने हो रही ठीक बहुत मतलब 3-4 गुना 5 गुना ज़्यादा प्राइस बोल रहे हैं तो ये भाई गुच्ची के स्टॉल्स एंड जो शॉल्स वगैरह होते हैं ठीक है मतलब जो बिल्कुल सारे हैं इन दौरे ये सारे गुच्ची के दरे हैं डायोर का है फैंडी के हैं एलवी का भी है जैसे एलवी का है ठीक है इनकी क्वालिटी अच्छी है एंड हाउ मच आर दीज फॉर
1400 lira. Okay, so 1400 lira ke hain. Burberry, this is Burberry, right? Yeah, and how much is it gonna be? What will be the price? Dollar lira, which one money? Lira. Lira, I make it for you 4000 lira, brother, 4, because lira? This is master. Copy to your face. Yeah, you it's can, double face. You can check that. Double face. Everything same original. The accessories is same. Outside, inside, same original. हाँ तो भाई मतलब यो सिस्टम हार्ड है मार्केट का तो देख लो एकदम मतलब कितनी कहना सस्ती हैं क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ हुए हैं वे बहुत महंगी हैं जो रखे हैं जो भी ब्रांडेड हैं बाकी मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें दे रहे हैं वो भी महंगी दे रहे हैं जो कि कॉपी वाला जो रेट होता है उससे तो बहुत ज़्यादा महंगा है ये वाला रेट फिर यो रोड पर बैठे हैं ये तो रोड पर ये जूते धर रहे हैं ये सस्ते पाओगे भीतर 2500-3000 लीरा के हैं ये वाले जूते ये वाले सेम मैं इस तक पूछता हूँ क्या प्राइस है अरे कोई फैक नहीं भाई यार है एक्सक्यूज मी मैन ब्रदर अंदर ब्रदर अंदर अंदर पूछना पड़ेगा भाई तो भाई जो ये ऐसे सड़क पे रखे हुए होते हैं इसने मेरे को प्राइस बताया 650 लीरा और उस पर भी डिस्काउंट दे के 400 तक तो पहुँच ही जाता ठीक है 400 लीरा मतलब कि अपने इंडिया के 1600-1700 रुपये 2000 रुपये ला लो ठीक है 2000 रुपया हम ये मेरे तो ये जूता दे था सेम प्राइस करोल बाग में इंडिया में मिलता है पर हाँ ये जो क्वालिटी थी और जो वो 4000 लीरा वाले मैंने जूते देखे उनकी जो क्वालिटी थी रात दिन का फ़र्क था भाई इस क्वालिटी में ये तो बिल्कुल देख के साफ पता लगता है कि हाँ कतिए तो कॉपी का भी कॉपी ले रखा है वो वाली क्वालिटी ऐसी है उसमें नहीं पता लगता आपको कि ओरिजिनल है या कॉपी है तो इसी हिसाब से सारी चीज़ों में क्वालिटी के हिसाब से रेट में फ़र्क है तो भाई मना करना है डिनर कहीं आन वाली भूखा आंडन लग रहा हूँ एक तो इन दोड़ में ग्रोसरी स्टोर को ना कोई भी सारी है तो मिठाइयाँ की दुकान है नगाड़े बकलावा ये फेमस है सारी ग्रोसरी स्टोर नहीं मना वो 2 किलोमीटर हो लिए चलते ना एक भी ग्रोसरी स्टोर नहीं दिखा है वहाँ तो गई है गाड़े शाम ही दूध ले रहे हो भाई Do you have milk? Yes. Milk? No problem. It's very good. This is good, right? Super. सुपर सुपर गुड तो यो पड़ा मेरा 70 लीरा का 70 लीरा मतलब 300 रुपये हो गए 300 रुपये का 1 लीटर दूध 2 बिस्कुट के पैकेट यो हिसाब बनया है और ये चलते हैं भाई घरा क्योंकि जांडा बहुत हो गया है और मेरे कान और नाक ठहर लिए हैं तो भाई मैं आ गया हूँ वापस अपने कमरे में और यो मेरा कमरा है दिखता होगा मतलब छोटा ही है पर एक बंदे के लिए बहुत है काफ़ी है और जो एक चीज़ मैं ग्रैंड बाजार या ग्रैंड मार्केट या थी जो तुमने देखी इसके बारे में जो एक चीज़ बतानी भूल गया ना वो ये है कि इस ग्रैंड मार्केट में कुछ भी चीज़ मतलब कोई भी मैंने चीज़ जो देखी है उसकी एक रेंज थी और वो रेंज थी 1000 लीरा से लेके 6000 लीरा तक और मतलब यूँ लगा लो 4500 इंडियन रुपीज़ से लेके 31000 इंडियन रुपीज़ तक की एक रेंज है और वो जो 6000 वाली जो टॉप रेंज है ना उसको भी आप बार्गेन करके आप 4500-4000 तक लेके आ सकते हो ये मैंने एक्सपीरियंस किया बने रहिए स्टे ट्यून्ड और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में सी यू गाइस बाय बाय पा पसार लूँ खा पी लूँ और अपना रेस्ट करूँ और थारे व्लॉग एडिट कर लूँ मतलब मेरे व्लॉग एडिट कर लूँ सी यू गाइस बाय बाय गुड नाइट